अहमद रिजवान पर भारी पड़ी सरफराज की पारी। अब रिजवान का होगा टीम से पत्ता साफ। बहुत दिन बाहर रख लिया रिजवान ने सरफराज को, अब बाहर होने की बारी रिजवान की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम में बड़ा हुआ उलटफेर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पूरी खबर बताएंगे आपको रिजवान और सरफराज अहमद के बीच चल रही आपसी दुश्मनी की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखें हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की, जिसमें आपसी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज, जिसमें पहले टेस्ट का पहला दिन था, पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद की आखिरकार टीम में वापसी हो ही गई। दोस्तों, आपने सुना होगा टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ी को अच्छे प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम में इसका उल्टा है। पाकिस्तान टीम में प्रदर्शन से नहीं, पावर से खेलते हैं प्लेयर। रिजवान और सरफराज के बीच भी कुछ ऐसा ही हाल है। रिजवान बहुत पहले ही बोल चुके हैं वो सरफराज को टीम में नहीं खेलने देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड से हो रहे टेस्ट मैच में रिजवान की जगह आज सरफराज अहमद को मौका मिला, जिसे सरफराज ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और 86 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली। उनकी इस पारी से रिजवान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अगर सरफराज ने एक दो पारी और अच्छी खेल दी तो टीम में सरफराज की जगह पक्की हो जाएगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 317 रन बना लिए हैं। बाबर आजम ने 161 रनों की बेहतरीन पारी खेली और वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखना होगा पाकिस्तान पहली पारी में स्कोर कहां तक पहुंचा पाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।